जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का एक जत्था धरने पर बैठ गया है। दरअसल भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ दिग्गज खिलाड़ी धरने पर हैं। इन खिलाड़ियों में शामिल है ओलंपियन बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत और भी खिलाड़ी। इन खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये नहीं हटेंगे। दरअसल जब बजरंग पुनिया से पूछा गया कि उनकी समस्या किससे है, उन्होंने कहा फेडरेशन हमारे लिए समस्याएं खड़ा कर रहा है। बताते चले सभी खिलाड़ियों ने ट्वीट किया। ट्वीट में बायकॉट WFI प्रेसिडेंट का ट्रेंड चलाया। इसके अलावा PMO इंडिया, PM मोदी, अमित शाह को टैग कर इंसाफ की गुहार लगाई। तो वही बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर लिखा, खिलाड़ी पूरी मेहनत करके देश को मेडल दिलाता है, लेकिन फेडरेशन हमें नीचा दिखाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ता। मनचाहे कायदे कानून लगाकर खिलाड़ियों को परेशान किया जाता है। पूरे मामले पर विनेश फोगाट ने कहा, हमारी मजबूरी है, हम यहाँ आकर धरना दे रहे हैं। हम लोगों ने आपस में बातचीत की, इसके बाद ये फैसला किया कि हम जंतर मंतर पर जाएंगे, अपनी मांगों को लेकर धरना देंगे। जितने भी रेसलर हैं सभी को दिक्कतें होती हैं। फेडरेशन अपने हिसाब से कायदे कानून लगाता है। इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम ऐसे बैठे रहेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे तक हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बताते चले फेडरेशन का काम खिलाड़ियों का साथ देना, उनकी खेल की जरूरतों को ध्यान रखना है। कोई समस्या हो तो उसे निस्तारित करना है, लेकिन अगर फेडरेशन ही समस्या खड़ा करे तो क्या किया जाए। अब लड़ना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित महिला पहलवान सरिता मोर ने ट्वीट कर कहा, खिलाड़ी आत्मसम्मान चाहता है, पूरी शिद्दत के साथ ओलंपिक बड़े बड़े खेलों की तैयारी करता है, मेहनत करता है, लगन कर देश को मेडल दिलाता है, लेकिन फेडरेशन उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसका मनोबल टूट जाता। हम सब नहीं झुकेंगे, अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे।